हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज मैं लेडीज के लिए थंब वाले सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत इजी तरीके से यहाँ से बनना स्टार्ट होती है, ऊपर तक बनती जाती है। तो सबसे पहले नीचे मैंने 46 फंदे डाल के, देखिए हमारी सीधी साइड है और यहाँ पे पांच धारियां बना ली है, 1 2 3 4 5। अब पांच धारियां बनाने के बाद फ्रेंड देखिए इस तरह से रखिएगा। जब हम इस साइड वाली सॉक्स बनाएंगे तो हम एक साइड यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे और जब ये दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो इस साइड फंदे बढ़ाएंगे, बिल्कुल अपोजिट साइड पे। तो पहले हमने इस साइड फंदे बढ़ाए, अब हम इस साइड फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से फंदे बढ़ाएंगे, 46 फंदे हैं और यहाँ 10 फंदे और बढ़ा देंगे हम इस तरह से, 1 2 3, इस तरह से 10 फंदे बढ़ाएंगे। ये 10 फंदे बढ़ाने के बाद फिर से हम सभी फंदों को यहाँ पे, ये जो पहला फंदा है इसको भी हम बनाएंगे इस वाली साइड पे। तो इसके बाद सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे और फिर से पांच धारियां बना देंगे, जिस तरह से हमने नीचे पांच धारियां बनाई उसी तरह से हम यहाँ भी पांच धारियां बना देंगे, इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए। और उसके बाद फिर हम ये डिजाइन बनाएंगे आगे, ये वाइट वाला चार बार डिजाइन बनाया है तो ये हम बाद में बनाएंगे, पहले पांच धारियां। देखिए 1 2 3 4 5, पांच धारियां बना लेंगे और फिर मैं आगे आपको ये डिजाइन बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पांच धारियां बना ली मैंने, 1 2 3 4 5 फंदे बढ़ाने के बाद अब हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो उल्टी साइड से पूरी सिलाई पहले ये वाली उल्टी बना देंगे वाइट वाले कलर से, इस तरह से सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे। और फिर उल्टा बनाने के बाद सीधी सिलाई पे फिर आगे बताती हूँ मैं किस तरह से ये डिजाइन बनाना है हमने। तो पूरी सिलाई इस तरह से बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड, वाइट वाला डिजाइन बनाएंगे तो तीन तीन फंदों के मल्टीपल से डिजाइन बनेगा, इस तरह से हम तीन फंदे बनाएंगे और तीन के ही तीन बना देंगे। देखिए एक बनाया, फिर इस तरह से घुमाया एक बार, फिर बनाया, ये देखिए इस तरह से, फिर आगे वाले तीन को फिर ऐसे बनाएंगे, ये तीन बनाए, धागा घुमाया एक, फिर बना दिया, फिर से आगे वाले तीन का, इस तरह से हम लास्ट तक पूरी सिलाई बना देंगे, तीन तीन फंदों को तीन ही बना देंगे। ये पूरी सिलाई बनाने के बाद फिर एक धारी हम दूसरे कलर की बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब उल्टी सिलाई देखिए फ्रेंड, हम दूसरे कलर से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना देंगे इस वाले कलर से, इस तरह से पूरी सिलाइयां दो उल्टी बनाएंगे। उसके बाद फिर हम वाइट वाला कलर बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, दो दो ही सिलाइयां लगाएंगे, दो ही इस वाले की और दो ही दूसरे वाले की, और इस तरह से हमें तीन बार चार बार डिजाइन बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 हमारे बीच में ब्राउन बनेंगे। तो ये चार डिजाइन मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, चार डिजाइन बना लिए मैंने। चार डिजाइन बनाने के बाद जिस तरह से हमने, ये देखिए 1 2 3 4 5, पांच धारियां फिर से हम वैसे ही ब्राउन कलर की बना देंगे उल्टी उल्टी दोनों साइड से, ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे और पांच धारियां इसकी बना देंगे। पांच धारियां बनाने के बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको, पांच धारियां के बाद हमने किस तरह से फंदे बंद करने हैं और एक साइड ही बनाएंगे हम और एक साइड फंदे बंद करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से आप ये उल्टा उल्टा बना दीजिए पांच धारियां। अब देखिए फ्रेंड, 24 धारियां मैंने बना ली और देखिए यहाँ से यहाँ तक के कंप्लीट भी हो गया है इस तरह से। तो अब हम फंदे बंद कर देंगे यहाँ से,
उल्टी साइड से हम सीधी साइड को फंदे बंद करेंगे। तो एक फंदा इस तरह से बनाया और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया, एक बनाया इस तरह से। लास्ट तक हम इन 28 फंदों को बंद कर देंगे और फिर मैं आपको सिल के बताती हूँ किस तरह से हम इसको सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलेंगे हम इसको, ये देखिए इस तरह से बन के आया ये। तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से रखेंगे और पहले हम ये वाला पार्ट सिलेंगे यहाँ से। तो देखिए पहले यहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे हम इसको इस तरह से मिलाते हुए। एक फंदा यहाँ से, एक यहाँ से लेते हुए। बहुत इजी है फ्रेंड है सिलना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसी तरह से हमने इसको ऊपर तक सिलते जाना है, या नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको सिलना और ऊपर तक। बस अब ये सीधी धारी यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। देखिए अब आगे तक हम इसी तरह से सिलते जाएंगे। एक फंदा इधर से, एक इधर से लेते हुए लास्ट तक सिल देंगे। ये यहाँ तक सिल लेती हूँ मैं, ये फिर आगे ऊपर वाला पार्ट दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक सिल लिया मैंने। अब यहाँ से हम ऊपर तक सिलेंगे, ये हमारा पहनने वाली साइड है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम इसी तरह से सिलेंगे। देखिए दोनों साइड से फंदे मिलाते हुए इस तरह से ऊपर तक सिल देंगे। इसको यहाँ से हमने बराबर रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और ऊपर तक इसी तरह से सिल देंगे। और फिर सिलने के बाद फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ ये किस तरह से बन के आया। ये यहाँ से हम धागा काट देंगे फिर। ये देखिए यहाँ पे हम दो तीन जॉइंट अच्छे से लगा देंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ से ये हिले ना, खुले ना। और यहाँ से बाद फिर आगे थोड़ा सा आके नीचे की साइड को यहाँ पे हम धागा काट देंगे। और ये देखिए फ्रेंड, इसको सीधा करके दिखाती हूँ अब मैं आपको। ये देखिए ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट, और इस तरह से हमारी ये जूती बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।